हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम अक्षय एंड आप देख रहे हैं एके गेमर बॉय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सामने है गॉड ऑफ वॉर 4 पीसी गेम पेटीएम अकाउंट से परचेस करूंगा स्टीम पर। तो पूरा वीडियो को देखिए, उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 4 पीसी गेम प्लेस के सीरीज में लाने वाला हूँ। तो चलिए अभी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे परचेस करना है पेटीएम अकाउंट से, और अभी मैं परचेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टीम का जो ये लॉन्चर है इसको आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद लॉगिन करना है आपके जीमेल या फिर ईमेल पासवर्ड के जरिए आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे हम स्टोर में आते हैं, यहाँ पे सर्च का बार मिल जाता है हमें। इसमें हमें सर्च करना है गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। सिर्फ हमें गॉड ऑफ वॉर सर्च करना है, यहाँ पे गेम दिख जाएंगी। यहाँ पर हमें क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ पे गेम प्ले इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इसको पॉज करना है, वरना ये अपना डाटा जो है खींचता रहेगा, तो परचेस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि स्लो चलेगा इंटरनेट। तो यहाँ पर अभी हमें इसको प्री परचेस करते हैं। अभी हम परचेस करेंगे, अभी मैं इसको परचेस करूंगा तो 14 जनवरी को मुझे ये गेम मिल जाएगी, ठीक है। रिलीज डेट 14 जनवरी है। तो चलिए हम इसको पेटीएम अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 3300 रुपये की गेम है, तो ऐड टू कार्ट हमें करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी दोस्त को गिफ्ट देना चाहते हैं गेम को, तो यहाँ पर परचेस एज अ गिफ्ट करके आप देख सकते हैं। इसका एक अलग प्रोसेस है, लेकिन अभी मैं सिर्फ मेरे लिए परचेस कर रहा हूँ गेम। तो यहाँ पर अगर आप भी खुद के लिए गेम परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पर परचेस फॉर माई सेल्फ इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी जो मेरी एड्रेस वगैरह बिलिंग इन्फॉर्मेशन है इसको मैं ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि ये तो प्राइवेसी की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन, आप देखिए यहाँ पर जो वीज़ा अभी डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, इसमें हमें सिलेक्ट करना है लास्ट वाला प्रीपेड वॉलेट डोमेस्टिक, ठीक है। जो लास्ट वाला है प्रीपेड वॉलेट डोमेस्टिक, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है अगर हमें पेटीएम अकाउंट से गेम को परचेस करनी है तो। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर अपने बिलिंग जो भी एड्रेस वगैरह है, आपका नाम, कंट्री वगैरह यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे अगर आपको सेव करना है आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर मैंने इसको अनटिक कर दिया है। ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करते ही एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको फिर से बिलिंग एड्रेस, आपकी जो एड्रेस है, ईमेल आईडी, कंट्री, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर आपको डालना है। अगर आपको सही मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ, वन टाइम ओटीपी रहेगा तो इसको कोई भी दूसरा जो है यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर से चेक कर सकते हैं कितनी प्राइस है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर वगैरह, ईमेल आईडी सब आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको हाइड कर दिया हूँ प्राइवेसी की वजह से। यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा 14 मिनट के अंदर, वरना ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट वॉलेट के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे जो लास्ट वाला पेटीएम का ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पेटीएम का जो गेटवे है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसकी प्राइस भी दिखाएगा, आप चेक कर सकते हैं फिर से कितनी प्राइस है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेटीएम का नंबर डालना है जिससे हम अभी पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अपने नंबर डाल देता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ आगे। यहाँ पर फिर से हमें ओटीपी पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं फिर से ओटीपी डाल देता हूँ जो कि मेरे पेटीएम नंबर के पेटीएम अकाउंट के नंबर पर आ गया है। तो मैंने फिर से इसमें ओटीपी डाला है और अभी हम करते हैं वेरीफाई पे क्लिक और यहाँ पर हम करेंगे पेटीएम वॉलेट से पेमेंट, क्योंकि उसके बाद पे करके बोल रहा ऑप्शन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं हमारे जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है परचेसिंग की, और हमें वेट करना है। कोई भी आपको बैक प्रेस बटन वगैरह नहीं दबाना है, सिर्फ वेट करना है। अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, 15 से 20 सेकंड, क्योंकि हम जो है थर्ड पार्टी गेटवे से परचेस कर रहे हैं पेटीएम अकाउंट से। अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करते तो इंस्टेंटली हो जाता। तो बस वेट करना है, आपको घबराना नहीं है। आप देख सकते हैं परचेस हमारा हो चुका है। अगर आप प्रिंटआउट लेना चाहते हैं रिसिप्ट का, यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लाइब्रेरी बोल रहे हैं, गॉड ऑफ वॉर इज ऑलरेडी इन योर स्टीम लाइब्रेरी, मतलब गेम परचेस हो चुकी है और 14 जनवरी को हमें यहाँ पर डाउनलोड गेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज, मैंने आपको दिखा दिया परचेस करके आपके सामने ही कैसे हम गॉड ऑफ वॉर पीसी गेम पेटीएम अकाउंट से स्टीम पर परचेस कर सकते हैं।
और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं गॉड ऑफ वॉर पीसी गेम जो है उसके गेम प्लेज की सीरीज लाने वाला हूँ, तो बहुत ही मज़ा आएगा पीसी में क्योंकि ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया देखेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।